संबुद्ध सदगुरुओं ने कहा, कभी आनंदित होना चाहते हो तो कल पर मत टालना, अभी हो जाना, नहीं तो तुम कभी नहीं हो पाओगे। अभी हो जाना आनंदित, नहीं तो तुम कभी नहीं हो पाओगे। और जो कर्म के फल की आकांक्षा में लगा रहता है वो अभी में आनंदित नहीं हो पाता कभी। इसलिए फल की आकांक्षा करना व्यर्थ है। फल की आकांक्षा में जीने का अर्थ है जीवन को कल पर टाल देना। जब मैं सांसद हो जाऊंगा, जब मैं मंत्री हो जाऊंगा, जब मैं मुख्यमंत्री हो जाऊंगा, जब मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा। लेकिन अगर तुम आज ही आनंदित हो जाओ, कर्म करना ही तुम्हारा आनंद बन जाए, तब तुम वर्तमान में आनंदित हो जाओगे। वर्तमान में आनंदित होने से ये 100% निश्चित है तुम्हारा कल आनंदित होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक। अगर तुम कर्म को करते हुए वर्तमान में ही आनंदित होने की कला सीख लो तो तुम्हारा भविष्य आनंद के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल तो वर्तमान के गर्भ से ही निकलता है। गर्भ जैसा होगा वैसी ही संतान होगी। अगर वर्तमान के गर्भ से भविष्य निकलता है तो वर्तमान आनंदित है तभी कल आनंदित हो सकता है। कल आनंदित होगा ही, इसीलिए कृष्ण कहते हैं कर्म करने में ही आनंदित हो जा, कर्म करने में ही पूरी ताकत लगा दे, कर्म करने में ही पूरी ऊर्जा लगा दे। और जब तू कर्म करने में पूरी ऊर्जा लगा देगा, कर्म करने में तुम्हारी ऊर्जा कब लगेगी? कर्म का फल प्राप्त करने की आकांक्षा पर तुम्हारी ऊर्जा नहीं जाएगी। अभी तो तुम्हारी सारी ऊर्जा कर्म के फल की आकांक्षा पर चली जाती है, ऐसा फल मिलेगा, वैसा फल मिलेगा। अगर वो ऊर्जा पूरा का पूरा कर्म करने में ही लग जाए तो पहली बात, कर्म करना और वर्तमान में कर्म करना और वर्तमान में कर्म करते हुए जीना आनंद से भर जाता है। और फिर समझ लेना कि जब कर्म में पूरी ऊर्जा आपकी लग गई तो फल तो आना ही है, स्वतः आता है। लेकिन कृष्ण कितनी समझदारी की बात करते हैं, ये भी नहीं कहते कि तुम्हें कर्म का फल मिल ही जाएगा। ये नहीं कहते, मैं कह रहा हूं आपसे कि वो मिलना निश्चित है, मिल ही जाएगा, क्योंकि आपने पूरी ऊर्जा उस पर लगा दी। कृष्ण क्यों नहीं कहते कि फिर कर्म का फल तुम्हें मिल ही जाएगा? इसलिए कि फिर तुम्हारा ध्यान फल पर जाएगा, इसलिए रुक जाते हैं। बड़े कम शब्दों ने इतनी गहरी बात कही। इसलिए गीता को बाहर के लोग जो पढ़ते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा ग्रंथ लिखा भी जा सकता है, ऐसी बात कही भी जा सकती है। और आज के 5000 साल पहले भारत का आदमी ऐसी बात कह सकता है? लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं, कितना गहन सत्य है। अब कल की बात जिसकी समझ में ना आई हो उनके लिए मैं बैलगाड़ी जोत रहा हूं, लेकिन इस सार को इसलिए बता रहा हूं, यही एक मेरा सबसे प्रिय सूत्र है। जो आप समझ लेंगे तो कल जो मैंने बात बताई उसमें बड़ी सहयोगी बन जाएगी।